नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा शर्मा। वेलकम है आपका कुंडली टीवी के शो पंडित जी कहीं में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारे वास्तु एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअल गुरु कमल नंदलाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, गाड़ी हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन गई है। शायद गाड़ी के बिना अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल ही है, लेकिन कुंडली के हिसाब से हमें कौन से कलर की गाड़ी खरीदनी चाहिए, आज हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कुंडली के हिसाब से हमें कौन से कलर की जो गाड़ी है, व्हीकल है, खरीदना चाहिए? देखिए, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनि की लोकेशन क्या है जी, साइमल्टेनियसली लाभ की लोकेशन क्या है। और मैं आपको एक बहुत खास बात बताऊंगा, कुंडली के अंदर एक वर्ग कुंडली होती है जी। एक ही कुंडली में हम अलग अलग 6 वर्ग, 10 वर्ग, 16 वर्ग और 108 वर्ग जी भी निकाल सकते हैं। लग्न को बांटा जाता है, जो 2 घंटे का टाइम है लग्न का जी, वो कितना चला है उस हिसाब से लग्न को बांटा जाता है। समझने योग्य चीज है, षोडश वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जिसे हम षोडशांश कहते हैं, उससे कन्वेंस देखे जाते हैं जी। गाड़ी कुंडली का 4था भाव तय करता है और 5वां भाव तय करता है कि गाड़ी से आपको कितना सुख मिलेगा जी। कुंडली का 3रा भाव ये तय करता है कि गाड़ी कितना ठुकेगी जी, उसके ऊपर कितने डेंट्स आएंगे, और साथ ब साथ में ये भी तय करता है आपका चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे 4था भाव ये तय करता है कि आपको कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहेगा। चल अचल संपत्ति के लिए चंद्रमा को देखना बहुत ज़रूरी रहता है जी। तो पंडित जी, ऐसे कुंडली देखकर हम क्या ये भी पता लगा सकते हैं कि हमें 2-व्हीलर सूट करेगा या 4-व्हीलर लेना चाहिए? जी, कई लोगों को 3-व्हीलर भी सूट करता है जी, उनकी जीवन यापन भी उसी से चलता है जी। बिल्कुल, ये हम तय कर सकते हैं कि कौन से रंग की गाड़ी, 4 पहिया गाड़ी, 2 पहिया गाड़ी जी, क्या आपके लिए ठीक रहेगा। सबसे पहली बात, गाड़ी नसीब में है या नहीं है जी, क्योंकि आप ये देखते होंगे कई लोगों के पास एक ही घर में 6-6, 8-8 गाड़ियां हैं और कई लोगों के पास में गाड़ी है ही नहीं जी। बिल्कुल, ये बहुत कुछ निर्भर करता है शनि की पोजीशन पे, ये बहुत कुछ निर्भर करता है राहु की पोजीशन पे और 4था भाव आपका कैसा है ये तय करता है जी। पंडित जी, 12 राशियां होती हैं, तो किस राशि वाले को कौन से कलर की जो गाड़ी है लेनी चाहिए जी? बिल्कुल, हम बताएंगे राशि लग्न के हिसाब से भी बताएंगे और 12 राशियों के लिए अलग अलग जो रंग की गाड़ियां हैं वो आपको जरूर बताने जा रहे हैं जी। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ जो होती है वो गाड़ी होती है सफेद रंग की गाड़ी जी। हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए जो अच्छी गाड़ी होती है वो होती है मरून रंग की गाड़ी, 4थे भाव का स्वामी उनका सूर्य होता है जी। इसी प्रकार से जो मिथुन राशि वाले हैं उन लोगों के लिए शैंपेन गोल्ड कलर की जो गाड़ी है वो, या गोल्ड कलर की गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहती है जी। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क लग्न की, तो कर्क लग्न वालों के लिए या कर्क राशि वालों के लिए सिल्वर कलर की गाड़ी जो है, सिल्वर, वो बहुत शुभ रहती है, या जो क्रीम रंग जो आता है कईयों में, मेटालिक सिल्वर जैसे हम कहते हैं, उस रंग की गाड़ी बहुत शुभ रहती है जी। साथ में बात करते हैं अब जो सिंह लग्न वाले हैं उनको लाल रंग की गाड़ी या ऑरेंज कलर के जो शेड्स होते हैं उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा सूट करती है। जो कन्या लग्न वाले हैं, कन्या लग्न वालों के लिए गोल्डन रंग की गाड़ी या येलो कलर की जो गाड़ी होती है वो बहुत शुभ फल देती है। साथ बसात के अंदर जो तुला लग्न है, तुला लग्न के अंदर सबसे बेहतर रहती है स्टील ब्लू कलर की गाड़ी, या ये जो गाड़ी का कलर हो ये टील ब्लू, आपने देखा होगा ब्लू में एक अलग कलर आता है, उस रंग की गाड़ी बहुत शुभ रहती है। बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ग्रे रंग की जो कार है, या मेटेलिक ग्रे जिसे हम कहते हैं वो, या काले रंग की कार बहुत शुभ होती है उनके लिए खरीदना। बात करते हैं धनु लग्न की, तो धनु लग्न के लिए सबसे बेहतर जो रहती है वो रहती है बेसिकली शैंपेन गोल्ड जी, या गोल्ड या ऑरेंज कलर की गाड़ी या गोल्डन कलर की गाड़ी, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। मकर लग्न, मकर राशि के जो लोग हैं उनके लिए ऑरेंज या लाल रंग की गाड़ी या कुछ ब्रिस्की रेड कलर की जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी सूट होती है। बात करेंगे हम कुंभ लग्न के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी गाड़ी है वो रहती है यहाँ पर सिल्वर कलर की गाड़ी, बहुत शुभ उनको परिणाम मिलते हैं इससे, और सिल्वर रंग के साथ साथ
वो थोड़ी सी ऐश कलर की जो गाड़ी होती है जी, वो कलर की भी गाड़ी ले सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए जो गाड़ी सबसे अच्छी रहती है वो ग्रीनिश शेड या ग्रीनिश गोल्डनिश जो कलर होता है उस कलर की गाड़ी बहुत शुभ फल देती है जी। पंडित जी एक बात मैंने बहुत ही नॉर्मली देखी है कि लोग ब्लैक कलर को अवॉइड और वाइट कलर को प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए ब्लैक कलर, सबसे बड़ी बात ब्लैक कलर छुप जाता है जी, लेकिन आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सेठों के पास में ब्लैक कलर की मर्सिडीज भी होती हैं जी बिल्कुल। और उन लोगों की जो गाड़ियाँ होती हैं वो बेसिकली सिटी में चलने के लिए होती हैं जी, वो हाईवेज पे इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते। कारण क्या वाइट गाड़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस देने का या सिल्वर गाड़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस देने का या गोल्डन गाड़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोग जी, इतना प्रेफरेंस लाल गाड़ी को भी नहीं देते जी। लेकिन चार कलर अमूमन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो होता है वाइट, सिल्वर, गोल्डन और साथ ब साथ में कहीं बहुत जा करके एश या स्टील कलर की जो गाड़ी होती है। उसका मूलभूत कारण होता है कि इन गाड़ियों में रिफ्लेक्शन की क्षमता होती है, इन गाड़ियों का एक्सीडेंट कम होता है साइंटिफिक बिहाफ पर जी। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब आप रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं रात में हाईवेज पे, तो गाढ़े रंग की गाड़ी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो आपको दर्शित नहीं होती, वो दिखाई नहीं देती हैं। उसका मूलभूत कारण होता है कि इन गाड़ियों का सबसे ज़्यादा हाईवेज पे एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें गिफ्ट में मिलती है गाड़ी अपने पेरेंट्स से भी, या लड़कियों को कई बार डोरी में भी दी जाती है, तो उसमें मतलब कौन सा कलर है जो हमारे लिए शुभ है? देखिए सर्वाधिक शुभ रहता है चौथे भाव का जो स्वामी है वो है चंद्रमा जी, और चौथे भाव से ही हम चल अचल संपत्ति देखते हैं। नैसर्गिक रूप से चंद्रमा और राहु जो हैं वो गाड़ियों के स्वामी हैं जी, और जितने पहिए हैं जितने चक्र हैं उनके स्वामी शनि हैं जी। तो सबसे बेहतर ये रहता है कि अगर आप अपनी बिटिया को, अपने बेटे को किसी को तोहफे में अगर कोई गाड़ी दे रहे हो, चाहे वो दो पहिया गाड़ी हो या चाहे चार पहिया गाड़ी हो, उसे सिल्वर कलर की दें जी, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चंद्रमा से संबंधित जितने भी उसके मित्र हैं वो आपके लिए शुभ रहेंगे। उसमें आप गोल्डन कलर की गाड़ी भी दे सकते हैं, रेड कलर की गाड़ी भी दे सकते हैं। अवॉइड कीजिए आप नीले कलर की और काले कलर की गाड़ी। पंडित जी हमारी गाड़ी हमेशा हमें शुभ फल देती रहे जी, तो उसके लिए आप हमें क्या स्पेशल टिप देंगे? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी शुभ दिन अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं, आपकी पुरानी गाड़ी भी है, तो भी आप गाड़ी को पूरी तरीके से धोएं, साफ करें और गाड़ी के बोनट पे आप एक स्वास्तिक का चिन्ह और 9 टीकियां बनाएं, 3-3-3 के हिसाब से। ये नवग्रह और भगवान गणेश का स्वास्तिक का चिन्ह अपनी गाड़ी पर बनाएं सिंदूर और घी के मिश्रण से। इसके बाद में इस पर अक्षत मौली वगैरह पंचोपचार इसकी पूजा करें। साथ ब साथ के अंदर आपकी गाड़ी पर नज़र ज़रूर उतारें। कैसे उतारें? एक नींबू ले लें, उस नींबू को 13 बार उल्टा कार पर वारें, अपने टू व्हीलर पर वारें जिस पर भी, और उसको पीछे वाले पहिए पर गाड़ी के किसी भी पीछे वाले पहिए पर रखकर उसके ऊपर से गाड़ी निकाल दें, सारी अलाएं बलाएं कलाएं बिल्कुल खत्म होंगी और आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी से हम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे और पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल कुंडली टीवी और Facebook पेज कुंडली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें।